जिला कांगड़ा के वनमंडल देहरा के तहत पड़ती पंचायत झकलेड़ में दिन दिहाड़े तीन हरे भरे पीपल के पेड़ों पर आरी चला दी गई। वहीं जब इसकी भनक मीडिया को लगी तो इस बारे में वन विभाग के कर्मचारियों को इसकी सूचना दी। विभागीय कर्मचारियों ने मौका पर पहुंचकर ट्रैक्टर के साथ पीपल के कटे हुए हिस्सों को पकड़ा। विभाग के कर्मचारी पहुंचकर कार्यवाही में जुट गए हैं। यहां आपको बता दें कि पीपल का वृक्ष राष्ट्रीय वृक्ष में गिना जाता है, जिसको काटने की परमिशन विभाग द्वारा कतई भी नहीं दी जाती है। ये परमिशन तभी मिलती है जब पीपल की वजह से नुकसान हो रहा हो। साथ में बिना परमिशन काटने पर FIR दर्ज होती है। अब यहाँ देखना यह है कि पीपल के वृक्षों के काटने पर विभाग कार्यवाही करता है या सिर्फ लीपापोती। वही जब RO सुभाष चंद से बात हुई तो उन्होंने बताया कि बिना परमिशन पीपल के पेड़ काटने की सूचना मिली है, उचित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। वही जब मुख्य अरण्यपाल प्रदीप ठाकुर से बात हुई तो उन्होंने बताया कि पीपल के पेड़ को बिना परमिशन के मलकिती भूमि से भी नहीं काटा जा सकता। पीपल के पेड़ काटने की सूचना मिली है, ट्रैक्टर को जब्त किया जाएगा तथा DFO को जांच के आदेश दिए गए हैं।